फिल्म देवदास के बाद एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने काफी देर के बाद टाइप किया है संजय लीला भंसाली के साथ, लेकिन किस प्रोजेक्ट के लिए आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड। दोस्तों, फिल्म देवदास की बात करें तो बहुत बेहतरीन फिल्म है जिसको बनाया था संजय लीला भंसाली ने, जिसमें हमें नजर आए थे शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय। इससे पहले भी एक देवदास बनी थी जिसमें दिलीप कुमार साहब ने काम किया था और वो भी बहुत बेहतरीन मूवी थी, लेकिन अब संजय लीला भंसाली ऐसा ही प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं सामने माधुरी दीक्षित के साथ। जी हाँ, संजय लीला भंसाली की बात करें तो उन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी के पैरेलल ही अनाउंसमेंट की थी अपने नए प्रोजेक्ट की, जिसका नाम था हीरा मंडी, जो कि एक वेब सीरीज है और जिसमें माधुरी दीक्षित को कास्ट कर लिया गया है। अगर हम इसकी कास्टिंग की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा, निमरत कौर, हुमा कुरैशी और भी काफी दिग्गज कलाकार आपको इस वेब सीरीज में देखने को नजर आएंगे। लेकिन अब संजय लीला भंसाली ने फैसला किया है कि माधुरी दीक्षित से वो क्या काम लेंगे इस फिल्म में। जी हाँ, माधुरी दीक्षित जो जानी जाती है अपनी अदाओं के कारण और अपने डांस के कारण, वो एक बार फिर से संजय लीला भंसाली के एक प्रोजेक्ट में आपको डांस करते हुए नजर आएंगी। संजय लीला भंसाली की बात करें तो उन्होंने इस वेब सीरीज को रिलीज करने का फैसला किया है नेटफ्लिक्स पे और इसी के साथ ही माधुरी दीक्षित को भी अपनी टीम में कास्ट कर लिया है। माधुरी की बात करें तो एक स्पेशल गाने में वो एक बहुत बेहतरीन डांस करते हुए नजर आएंगी, जैसा कि उन्होंने फिल्म देवदास में किया था जिसमें उन्होंने चंद्रमुखी का रोल निभाया था। चाहे वो गाना हो मार डाला या फिर काहे छेड़े मोहे, इन दोनों गानों पे माधुरी ने बहुत अच्छा डांस किया था और आज भी लोगों ने उस डांस को याद रखा है और अभी तक माधुरी हमारे दिलों पे राज करती है। लेकिन अगर माधुरी इस प्रोजेक्ट में हमें नजर आएंगी, क्या फिर से वो वही रंग बिखेर पाएंगी या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट को माधुरी दीक्षित ने कैश कर लिया तो फिर से माधुरी दीक्षित हमारे दिलो दिमाग पे राज करने लग जाएंगी। तो अब देखना यही बाकी है कि कब इस प्रोजेक्ट की शूटिंग को शुरू किया जाएगा और कब पूरी स्टार कास्ट संजय लीला भंसाली के सेट पे पहुंचेगी। अगर हम बात करें संजय लीला भंसाली की तो उन्होंने माधुरी को तो ये गाना ऑफर किया है, लेकिन सोर्सेस का कहना ये भी है कि माधुरी को काफी मोटी रकम मिली है इस गाने के लिए। और संजय लीला भंसाली जो जाने जाते हैं अपने बड़े बजट के कारण और अपने बड़े बड़े सेट्स के कारण, उन्होंने एक बार फिर से दावा किया है कि बहुत बड़े बजट के साथ और बहुत बड़े सेट्स के साथ वो सामने आएंगे। अगर हम बात करें संजय लीला भंसाली के आने वाले प्रोजेक्ट की तो उसका नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसमें आलिया भट्ट नजर आएंगी हमें गंगूबाई का रोल निभाते हुए और इस फिल्म का टीजर भी सामने आ चुका है। तो अब देखते हैं कि माधुरी दीक्षित के साथ संजय लीला भंसाली अगर फिर से टाइप करते हैं तो क्या रंग लाते हैं ये दोनों। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित पे और संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी पे? आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा और बॉलीवुड के साथ यूं ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल जिसका नाम है गूगल बॉलीवुड।